नाशिक मधील नामांकित नेत्र रुग्णालय असलेले सुशील आय केअरचे डॉक्टर अग्रवाल ग्रुप ऑफ आय हॉस्पिटलमध्ये विलीनीकरण करण्यात आलं. सातपूरला आयटीआय सिग्नलजवळ विस्तारित जागेत या समूह रुग्णालयाचं उद्घाटन अग्रवाल ग्रुपचे अध्यक्ष डॉक्टर अमर अग्रवाल यांच्या हस्ते झालं. यावेळी वैद्यकीय क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते. अग्रवाल समूहाची 11 देशांमध्ये 73 हॉस्पिटल असून या सेंटरच्या माध्यमातून एका छताखाली नेत्र रुग्णांना अद्ययावत वैद्यकीय सुविधांचा लाभ उपलब्ध होणार आहे. याप्रसंगी डॉक्टर अग्रवाल यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन झाल्यानंतर मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला. नाशिकमध्ये यापूर्वीच 2 सेंटर असून लवकरच आणखी 4 सेंटर सुरू करण्याचा मानस डॉक्टर अमर अग्रवाल यांनी व्यक्त केला. सो अग्रवाल आई हॉस्पिटल अभी नासिक में 2 हॉस्पिटल शुरू किया है सुशील आई सेंटर डॉक्टर शरद पाटिल के साथ. हमारे पास टोटली 103 हॉस्पिटल हैं 11 कंट्रीज में और हमारा एम महाराष्ट्र के लिए अगर आप सोचे अगले 3 साल में टू ओपन 30 मोर हॉस्पिटल्स. डॉक्टर शरद पाटिल सुशील आई सेंटर के हेड हैं और जिसमें हमारे पास 2 हॉस्पिटल है और अगले 3 से 6 महीने में हम 4 और सेंटर्स बना रहे हैं यहीं पर ही नासिक में. हमारा एम क्या है, हिंदुस्तान में अगर 12 से 18 मिलियन ब्लाइंड हैं जिसमें से 55% मोतियाबिंद की वजह से है और इनका इलाज हो सकता है. अगर इनका इलाज हो सकता है, हमारा एम है कि अगर हमारे पास हर जगह ऐसे हाई क्वालिटी आई हॉस्पिटल्स हों तो इन सब को पेशेंट्स से बेनिफिट होगा. इसी का एम है डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल. या रुग्णालयामध्ये नेत्र शस्त्रक्रिया, कॅटारॅक्ट सर्व्हिसेस, लेसर कॅटारॅक्ट सर्जरी, रेटिना अँड कॉर्निया सर्व्हिसेस, लॉजिक सर्जरी इत्यादी सुविधा राहणार असल्याची माहिती प्रख्यात नेत्ररोगतज्ञ डॉक्टर शरद पाटील यांनी दिली. सिग्मा 25 वर्षापासून नेत्रसेवा देत आहोत आणि आता अग्रवाल साय ग्रुप बरोबर आम्ही आता जॉईन झाल्यामुळे मर्ज झाल्यामुळे अजून चांगल्या प्रकारचे ट्रीटमेंट, अजून लेटेस्ट ट्रीटमेंट ह्या अफोर्डेबल रेट्समध्ये सहजपणे उपलब्ध होतील. व त्याचबरोबर नाशिकमधले आमचे सध्याचे 2 सेंटर जे आहेत ते सध्या चालूच आहेत. अजून 4 सेंटर सुरू झाल्यानंतर नाशिककरांना सगळ्याच भागांमध्ये ह्या सुविधांचा फायदा होऊ शकेल. व आता हे सगळे हॉस्पिटल जे आहेत याच्यात अत्याधुनिक साधनं, अत्याधुनिक ट्रीटमेंट्स व त्याचबरोबर आपण जे एनिबेच ॲक्रेडिएशन जे म्हणतो की ज्यामध्ये पेशंटची सेफ्टी, पेशंट चांगली क्वालिटी केअर ची काळजी घेतली जाते अशाद्वारे आमचे हॉस्पिटल्स हे रेकग्नाईज झालेले आहेत, ॲक्रेडिटेड झालेले आहेत. त्यामुळे असे एनिबेच ॲक्रेडिटेड हॉस्पिटल जर प्रत्येक शहरात निर्माण झालेत तर त्या लोकांना चांगली ट्रीटमेंट ही सहजपणे मिळू शकेल. द अग्रवाल आय बँकेच्या माध्यमातून 40,000 नेत्र प्रत्यारोपण करण्यात आलं आहे. यावेळी उपस्थित डॉक्टरांनी नेत्रदान करण्याचं आवाहन केलं. तो मेरी ये दरख्वास्त है कि कितनी हो सके डोनेशन के बारे में अपने लोगों से, अजीजों से, रिश्तेदारों से. दूर दराज तक आप बोलेंगे तो हमारे डॉक्टर सुशील आई सेंटर में आई बैंकिंग है. तो ये है कि आप 6 घंटे के अंदर अपनी आंखों को डोनेट करना चाहिए और 72 आवर्स के अंदर इन 2 आंखों से हम 4 लोगों को जिनको आंख की टिक्की खराब होती है हम उनको रोशनी दे सकते हैं जिसके वजह से ये लोग देख नहीं पाते हैं. मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप आगे बढ़ करके अपनी आंखें डोनेट करके जिसकी वजह से कॉर्नियल ट्रांसप्लांट या आई डोनेशन हम लोगों के लिए बहुत ही बहुत आसान हो. और जिनकी आंखों के अंदर मोतियाबिंद के बाद लेंस किसी वजह से अगर बैक फट जाए तो आंख के अंदर लेंस नहीं बिठा सकते उसका भी हमारे पास इलाज है. डॉक्टर अमर ने इसके बारे में आपको कहा था. एम यही है कि कल के दिन महाराष्ट्र में किसी को भी आंखों की ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो तो उन्हें ये सोचना ना पड़े कि कहाँ पर ट्रीटमेंट ली जाए. उन्हें इस चीज़ की तसल्ली मिल जाए कि डॉक्टर अग्रवाल का जो ब्रांड है उसमें उन्हें अच्छे डॉक्टर्स, अच्छी क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट और जो टेक्नोलॉजी है वो सब एक जगह पर उन्हें मिलेगी और वो बिना सोचे समझे अपनी आँखों का ट्रीटमेंट वहाँ करवा पाएंगे. और जैसे कि डॉक्टर शरद ने और डॉक्टर अमर ने बोला कि हमारा गोल ये भी है कि ऐसा ही नहीं कि सिर्फ जो अफोर्ड कर सकते हैं वही इन हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट लेंगे. जो भी इस हॉस्पिटल में आएगा चाहे वो अफोर्ड कर सकता है चाहे नहीं कर सकता उनको हम आँखों की ट्रीटमेंट पूरे महाराष्ट्र में प्रोवाइड करेंगे. डॉक्टर अग्रवाल आय केअर सेंटरच्या माध्यमातून जगभरामध्ये 400 तज्ञांची टीम योगदान देत आहे. गुड्डू शेख, दिशानुज, नाशिक.